यक्षाक्षाकृते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। सादृष्टिः सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्शशून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्ता करणमिव परम् सम्प्रसादैकरूपा। सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमवितलम् ब्रह्म प्रत्यक् प्रशान्तम् श्रीपूर्णानन्द नेत्रद्वयरसविलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम्। ॐ कालिन्दीकूलकुञ्जान्तर्वल्लवी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नतन्तम् नन्दनन्दनम्। युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया। युधिष्ठिर माने धर्म युद्ध में जो स्थिर हो, युधि माने धर्म युद्ध में, और स्थिर माने स्थिर। बेईमानी के जुए में हार जाने पर भी जिन्होंने कहा बेईमानी किया तो उन्होंने किया, हम क्यों बेईमानी करें। फिर जहां छोड़ने का प्रसंग आवे वहां दब के भी छोड़ देना चाहिए, पकड़ने का प्रसंग आवे वहां दबाना नहीं चाहिए, और छोड़ने का प्रसंग आवे वहां दब जाना चाहिए। हरिश्चंद्र ने स्वप्न के दान को जागृत में मान्यता दी और युधिष्ठिर ने बेईमानी के जुए में हारी हुई वस्तु को भी हारी हुई स्वीकार किया। इतनी बड़ी धर्मनिष्ठा। उन्होंने कहा कि महाराज ये जो अवधूतों की रहनी आपने सुनाई दत्तात्रेय की, उस रहनी से जो लाभ होता है वो क्या गृहस्थी में रहते हुए किसी प्रकार गृहस्थाश्रम में गृहस्थी को गृहस्थ को मिल सकता है। ये प्रश्न नारद जी ने इसका उत्तर दिया। राजन घर में ही रहे और घर के जितने काम हैं उनको बिल्कुल ठीक ढंग से करे। ये जो गृहस्थ धर्म में रहकर गृहस्थ धर्म का उल्लंघन करते हैं वो वासना के आधिक्य के कारण, फिर वो सन्यासी भी होंगे तो सन्यास धर्म का पालन नहीं करते। ये नहीं कि गृहस्थ धर्म में बहुत खटपट करनी पड़ती है सन्यासी हो जाएंगे तो छूट जाएंगे। जो अपने स्थान धर्म में क्षेत्रीय धर्म में जो निष्ठावान नहीं है वो दूसरे क्षेत्र में दूसरे स्थान में और दूसरे आश्रम में जाकर के भी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो बोले कि मन का त्याग है, मन का त्याग है। तो नहीं, मन का त्याग तो होता है परंतु बाहर के त्याग की तैयारी जिसमें नहीं है उसके मन का त्याग बिल्कुल झूठा है, कल्पना मात्र। मन का त्याग तो सच्चा वो है कि यदि बाहर कभी वैसा करना पड़े तो उसके लिए तैयारी है। नहीं तो बोले हमने मन से त्याग कर दिया, जेब में रुपया रख के और सोच लिया कि ये दुश्मन का है, और जब देने का मौका आया तो बोले कि नहीं। तो ये मन के त्याग का तो कोई अर्थ नहीं होता है, बाहर के त्याग की तैयारी से। वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महाअहम्। सब भगवान का है, न मेरा न तेरा। इसके लिए महामुनियों की उपासना करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, निरंतर अधीक्षणम
बारंबार, अधीक्षण शब्द का अर्थ होता है बार बार, भगवान के अवतार कथामृत का पान करना चाहिए। ये अमृत का रूप यहाँ क्यों दिया, तो बेमन के न सुने हो, स्वाद ले ले के सुने, रस ले ले के सुने, इसलिए अमृत का रूप है। श्रद्धा रखे, ये न सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण ने पहाड़ हाथ पर कैसे उठाया होगा, श्रद्धाना उसका ध्यान करो कि हाँ सचमुच श्री कृष्ण ने पर्वत अपने हाथ पर उठा रखा। यथा कालम उपशांत जना और कहा, और निर्वासन व्यक्तियों में निवास करे समय समय पर, सत्संग से धीरे धीरे संसार की आसक्तियां छूटती हैं, जैसे सपना टूट गया हो, देह में और गेह में जितना प्रयोजन हो उतने व्यवहार करे और फिर उसे ऊपर उठ जाए। हमको श्री ब्रह्मानंद जी महाराज ने बताया कि भीड़ भाव में कैसे रहे, बताए बात तो गंदी है लेकिन बता ही देते हैं। कहते हैं भीड़ भाव में ऐसे रहे जैसे बाथरूम में जाते हैं, वो तो जाना आवश्यक है, जाते हैं आठ घंटे घंटे भर उसमें लगता भी है, परंतु वो तो इष्ट तो नहीं है ना, मजबूर होके उसमें जाना पड़ता है, तो मजबूरी है जीवन की। इसी तरह संसार के व्यवहार में देह देह में कैसे व्यवहार करे, बोले थोड़ी देर के लिए जितना जरूरी है उसमें जाए और फिर उदास सीना और अपने रूम में चले गए, बैठक में आके मिले और फिर अपने रूम में लौट गए। ये बात तुमको शंकराचार्य ने बताई पंडिता विरक्त रक्तवत्पत्र निर्लोके नरकाम्य से, मन में रखे वैराग्य और व्यवहार करे राघवान की तरह, और अपने मनुष्य शरीर का विन्यास कर दे संसार में, लोक व्यवहार करते समय मनुष्य रहे और बाकी में अपने आत्मा के रूप में बैठा रहे। और एक बात और, यदि अवधूत का आनंद लेना चाहते हो, एक बात और सुनाना, अवधूत का फल नहीं, अवधूति का फल नहीं होता है, ये बात दुनिया में कम लोगों को मालूम है। अवधूति स्वर्ग पाने के लिए नहीं होती, अवधूति जीवन मुक्ति का तत्काल आनंद लेने के लिए होती है। एक दिन एक पंडित बहुत गौरव कर रहा था, श्रवण मनन निधि ध्यासन करने से ये फल होता है, ऐसा स्वर्ग मिलता है, सत्य ज्ञान होने से ये फल मिलता है, बड़ा भारी पंडित था काशी का मीमांसक, पर शास्त्री जी महाराज ने वही भरी सभा में रोक दिए, रज जब रोशन कीजिए कोई कहे क्यों नहीं, हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यह है, जब दुनिया की वस्तु की कोई कीमत ही नहीं है तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा करके अपना दिल क्यों बिगाड़ना, अरे बाबा हमारे मन का नहीं उन्हीं के मन का चाहिए, निर्मम होकर उनका अनुमोदन करना चाहिए, उनके वचन का भी यानी किसी किसी को आदत होती है, नहीं नहीं महाराज, फिर बोलते हैं आप बहुत ठीक कह रहे हैं, पहले बोलते हैं नहीं नहीं, फिर कहते हैं आप बहुत ठीक कह रहे हैं महाराज, तो नहीं नहीं तो तकिया कलाम में बोलते हैं ना, और जदिक्षण की जो चाहते हैं सो होने दो। इसका सिद्धांत यह है कि जो कुछ स्वर्ग में धरती पर अंतरिक्ष में संपत्ति है वो भगवान की बनाई हुई है, भगवान की है, उसमें जीवित रहने का, उसके उपभोग के द्वारा जीवित रहने का तुमको अधिकार है, तो क्या करना चाहिए, ले और भूति या अग्रिय सजरम पावत्वत्वम हृदयनाम अधिकम लोभिमन तो स्वस्थ नो दंड अर्हती, जितने से अपना पेट भरता है उतने पर मनुष्य का अधिकार है, स्वत्व है, स्वत्व माने हक, आदमी का हक कितना का जितने से जीवन निर्वाह हो जाए, अधिकम जो भी मन ले तो स्वस्थ नो दंड अर्हती, और जो अधिक का अभिमान करता है, अभिमान करता माने मेरा मानता है, सृष्टि के रूप में रखना, धरोहर के रूप में रखना, सबकी भलाई के लिए रखना ठीक है, लेकिन अगर वो मानता है कि इसका मालिक मैं, तो बोले भाई भगवान ने सबके लिए जो चीज बनाई है, जैसे चार भाई के लिए कोई चीज हो
और एक भाई अपनी मुट्ठी में करके बोले कि इसका मालिक मैं, दूसरे भाई नहीं, तेनो दंडम अर्हति, वो भगवान के राज्य में चोर है और दंड का पात्र है। नहीं, ये कम्युनिज्म जो है महाराज, वो एक तो जड़ता मूलक है और दूसरे उसमें रस्ती पने वाली बात कितनी है इसको आप लोग जानते हो। वो तो व्यक्तिगत काट की तो उसमें ज्यादा है। एक बार मैं इसी श्लोक की कथा कर रहा था, कहां कलकत्ते में, 20 बरस हुए होंगे, 25 बरस हुए होंगे, तो एक आदमी उठ के खड़ा हो गया कि महाराज ये श्लोक पीछे से किसी ने भागवत में जोड़ दिया है और अब इस पर तो श्रीधर स्वामी की टीका है ना, और ये 12वीं शताब्दी की जो हस्तलिखित पुस्तक मिलती है उसमें भी है। तो ये देखो, भगवान ने जैसे पेड़ बनाए हैं, उस पर फल लगते हैं, तो उस पर बंदरों का हिस्सा है कि नहीं है? आप देखो, चिड़ियों का हिस्सा है कि नहीं? अच्छा, चूहे को खाने के लिए भगवान ने आकर कुछ बनाया है कि नहीं? सब आप ही खा जाएंगे? और ये कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मक्खी हैं, ये सब असल में जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं वैसे वो भी होते हैं। वे भी भगवान की सृष्टि में अपना अपना हक लेकर पैदा होते हैं, उनका भी हक होता है। आप यदि कभी परसों करते हो, उसमें ये कहता है लेट भाग भुजत कृत्यंता, हमारी थाली में जो जूठा लगा रहता है उसके जो हकदार हैं उनकी तृप्ति हो गए, उसके भी हकदार होते हैं। तो देखो, धर्म और काम भी उतने ही करना चाहिए जितने से अपना मन बिगड़ न जाए। मन सबसे बड़ी वस्तु है, बल्कि हमारे महात्माओं का तो ये कहना है कि एक जीव के मन में पवित्रता आ जाए, वो परमात्मा से मिल जाए, तो एक बार एक ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए तो कोई करे। मन की बड़ी भारी कीमत है। मौज नहीं, मजा नहीं, पसंदगी नहीं, उसका परमात्मा के साथ जुड़ना, उस स्थान के अनुसार भी लचकदार हो। लकड़ी का मन नहीं बनाना चाहिए, रबर का मन बनाना चाहिए। जो स्थान के अनुसार कहीं लचक जाए, समय के अनुसार लचक जाए, जो मिले उसी में। एक बार हम लोग दादा के साथ 35-36 जने जा रहे थे ग्वालियर की तरफ। एक दिन दोपहर को गांव में जब गए लोग रोटी मांगने, तो कोई 25-26 रोटी भिक्षा में मिली, बस इतनी मिली, ज्यादा नहीं मिली। सब तो मिला के बाबा निकाल ले आओ, सब एक में मिला के, और किसी को आधी रोटी दी तो किसी को पूरी रोटी दी। वो तो जानते थे किसको कितना देना चाहिए, है ना, किसी को आधी रोटी, किसी को पूरी रोटी। अब महाराज ऐसी तृप्ति हुई, उसके बाद एक भर पानी पिया लोगों ने, बोले बस महाराज का हाथ लगते ही हमारा तो भाई पेट भर गया। देखो ना, ये होता है। तो बहुत कष्ट उठा के जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। और एक बात यह है कि कुत्ते को भूल मत जाना, अपने गांव में जो चंडाल है उसको भूखे मत रखना, सबको भोजन मिलना चाहिए। अब एक बात ऐसी विचित्र है महाराज, अभी अखबार पढ़ने वालों की समझ में तो नहीं आएगा, जो अखबार में से धर्म पढ़ते हैं, अरे मासिक पत्रिकाओं में से, अखबार में से, किताबों में से, ये भागवत में पढ़ेंगे ध्यान देकर तब समझ में आ रहे। अपि कामात्मनो दारान नृणाम स्वग्रहो गतः, अपनी एकमात्र पत्नी को भी लोगों की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके प्रति बड़ी भारी ममता होती है। पत्नी के लिए लोग अपने प्राण छोड़ देते हैं, अपने पिता और गुरु पर भी शंका करते हैं और उसको मार डालते हैं। यदि कोई ऐसा बहादुर निकले कि पत्नी पर भी उतनी ममता, उतना स्वत्व न रखे, उसके द्वारा भी लोगों की सेवा कराए, उसने तो परमेश्वर को जीत लिया। जिनको ये श्लोक पढ़ना हो महाराज, भागवत में पढ़ना, अस्ति कामात्मनोदारान नृणाम स्वग्रहो गतः, जह व्याप जगर्थे स्वप्राणान अन्याद वा पितरम गुरून, सत्याम स्वत्वम स्त्रियाम यद्याद
यत्ते नहि यजितो जितः, परमेश्वर पर विजय प्राप्त करने की ये रीति है। अरे बाबा, ये शरीर तो कीड़ा बनेगा, विष्ठा बनेगा, राख हो जाएगा, अपना कहा ये शरीर और कहा आकाश को, आकाश को अपने घेरे में रखने वाला ये आत्मा। इसलिए भाई, खाना हो तो दूसरे को खिला के खाओ, इसी से अपनी वृत्ति की कल्पना करो, और जो बच जाए उसको अपना मत समझो, बस तुम महान हो गए। घर में महात्मा होने का यही एक तरीका है कि पहले दूसरों को खिला लो, बचे हुए में खा लो, और उसके बाद भी बचे तो उसको अपना मत समझो। ये तीन विभाग कर गए, देवता ऋषि मनुष्य सब तुम्हारा सबकी आराधना करें। एक बात और कि अपनी वृत्ति से, अपनी चर्या से जो धन आता है उससे भगवान की आराधना करें। शक्ति हो तो अग्निहोत्र आदि भी करें। भगवान सर्वज्ञ भोक्ता है, इसलिए ब्राह्मण देवता को हवन करके सब भोजन करना चाहिए। अच्छा, घर में रहे तो पितरों का श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए। सबके हृदय में क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है, और पितरों की आराधना से वंश परंपरा चलती है। श्राद्ध कर्ता पितरों को मिलता है तो अलग, और कर्ता को जो आनंद देता है तो अलग। हमने इस पर बहुत सोच विचार किया हो, हमारा भी रिसर्च होता है तो नहीं होता। हमको अपना रिसर्च हमने किया कि हमारे पिता का श्राद्ध हुआ हम 7 वर्ष से, तो उससे हमको कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हमको लाभ हुआ, क्योंकि हमको 7 वर्ष से लाभ ये हुआ कि मरने के बाद भी मनुष्य कहीं रहता है, ये बात उसी समय हमारे दिल में अनजान में ही भर गई। आत्मा देह से अलग रहता है, ये बात हमको 7 वर्ष से मरने वालों पर गई, क्योंकि हमारे पिता का श्राद्ध हुआ तो उनका आत्मा कहीं है, ये बात मालूम पड़े। देखो तो धर्म की जड़ जम गई हो, उस समय धर्म की जड़ जम गई, आत्मा के विवेक की जड़ जम गई। अच्छा, समय समय पर जो कार्य होते हैं वो भी करना चाहिए। अच्छा, दान का कोई मौका छूटना चाहिए नहीं चाहिए। संक्रांति के दिन करें, व्यक्ति पाप में करें, जिस दिन की शिक्षा हो जाए उस दिन करें, ग्रहण में करे, द्वादशी के दिन करे, श्रवण में करे, ये जितने शास्त्र के अनुसार महाराज नियत है समय, ये श्रेयस काल है, इनमें स्नान करना, देने का मौका नहीं चूकना चाहिए। लेने के मौके में चूक हो जाए तो कोई गलती नहीं है, परंतु देने के मौके में अगर चूक हो जाएगी तो आदमी फंस जाएगा। स्नान करे, जप करे, होम करे, व्रत करे। धर्म के लिए शरीर को भी थोड़ी तकलीफ है, इतना आराम तलब आदमी को नहीं होना चाहिए कि आलस में आ जाए। तो देवता की पूजा इंद्रियों की शक्ति देती है, ब्राह्मण की पूजा शास्त्रों पर श्रद्धा देती है, मनुष्यों की पूजा सब में ईश्वर भाव देती है। तो इस प्रकार महाराज इसका फल अविनाशी होता है और वस्तु ये विनाशी है, तो इसलिए अपने घर में जैसी परंपरा हो उसको करना चाहिए। अब बोले महाराज, किस देश में जाकर गंगा जी के किनारे दान करें कि पुष्कर क्षेत्र में दान करें? बोले देखो, इस गड़बड़ी में मत पड़ना, और जाना हो न हो सदैव पुण्यतमो देश सत्पात्र यत्र लभ्यते। जहां सत्पात्र मिल जाए महाराज, चंदू खाने में कूड़े कर दान कर दो, अगर देने के योग्य कोई मिल जाता है खान मत देखो। मंदिर हो, ब्राह्मण कुल हो, तपस्या हो, भगवान का मंदिर हो, पुष्कर हो, ये तो सब बहुत अच्छा, परंतु जहां मिल जाए महाराज योग्य पुरुष वहीं दे देना चाहिए। फिर वो समय आवे कि नहीं, वैसा आदमी मिले कि नहीं। अब बोले कि अच्छा भाई, सत्पात्र कौन है? तो ये कर्मकांडी का सत्पात्र दूसरा होता है, भागवत धर्म का सत्पात्र दूसरा है। बोले देखो, सत्पात्र एक है भगवान, हरिदेवई चौरबीसो जन्मयम वही चराचरम, परमेश्वर ही सत्पात्र है, और चराचर सृष्टि परमेश्वर का स्वरूप है। इसी से जब दान करें तो ये न कहें कि हम चंडाल को दे रहे हैं कि ब्राह्मण को, तो किसको दे रहे हैं? तब भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं।
हमारी है ही नहीं, हमने जो अपना माना है ये गलत, तो देने का अभिमान नहीं आएगा मन में। इसलिए महर्षियों ने ये निश्चय किया है, देखो राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर का, वहां देवता थे, ऋषि थे, बड़े बड़े महात्मा थे, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद सनत कुमार थे, परंतु बोले भाई पूजा सबसे पहले किसकी का कृष्ण की। अब वहां महात्मा ब्राह्मण की पूजा नहीं होती है, कृष्ण की होती है। क्यों? बोले कृष्ण तो परमेश्वर है ना, इसलिए तन्मूलत्वाद्या सर्व जीवात्म तर्पणम, संपूर्ण विश्व सृष्टि के मूल भगवान है, जहां भगवत बुद्धि है वहां सर्व जीवात्म तर्पण है। ये महाराज आप सच समझे, ये पंडित से रहित का धर्म नहीं है, इसका नाम भागवत धर्म है। सब में भगवान रहते हैं, इसलिए पहले तो ईश्वर की पूजा मूर्ति में नहीं हुआ करती थी, मनुष्य में हुआ करती थी। परंतु जब देखा कि लोग गलती बताने लगे, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, अवज्ञा करने लगे, तब महापुरुषों ने मूर्ति की पूजा निकाली। और जब देखा कि ये ठंडे के दिनों में और ला करके महाराज ठंडी माला गले में पहनाते हैं, तो महात्माओं ने कहा मूर्ति कर देना है ना, वहां रखो। आचार्यों ने महाराज एक है ना चौकी रखवा के उस पर खड़ाऊ रखते, तो इस पर चंदन अक्षर फिर के बाबा ने तुम्हारे हाथ में मार देते। तो ये तो जब मनुष्य लोग जो है दोष दृष्टि करने लगे, गलती निकालने लगे, तब ये चले। बोले फिर भी इससे फल होता है कि नहीं होता है, चलो देखो उसका भी मजा लो। ये हम सुना देते हैं आपको इसलिए कि आप लोग घर गृहस्थी में श्रीमद् भागवत सुनते होंगे, हम भी चाहते तो नहीं सुनाते हो, इस प्रसंग को पार कर जाते हैं। इसलिए सुनाते हैं कि आपको सुनाते नहीं होंगे बहुत से लोग, तो कठोरचा राम हर इनके संश्रद्धा और कतरिया उपास उपासता नार्थदा पुरुष दृशाम। कहते हैं कि ठीक है, इसी से मूर्ति की पूजा चलाई गई और लोग बड़ी बड़ी पूजा मूर्ति की करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा करने पर भी तब तक फलप्रद नहीं होती, उस आदमी के लिए मूर्ति पूजा फल नहीं देती जो संसार के किसी व्यक्ति से द्वेष करता है। नार्थदा पुरुष अद्वेषाम, मनुष्य से द्वेष करने वाले के लिए मूर्ति पूजा फलप्रद नहीं है। 40वां श्लोक है, पुरुषेष्वतिराजेन्द्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः, पुरुषों में ब्राह्मण सुपात्र है। कब? तो जब तपस्या विद्या संतोष और वेद ये हैं ईश्वर के शरीर, यदि ब्राह्मण इनको धारण करता है तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। ब्राह्मण की पूजा तो भगवान ही करते हैं। नारद जी कहते हैं कि बहुत से ब्राह्मण कर्मनिष्ठ होते हैं, कोई तपोनिष्ठ होते हैं, कोई स्वाध्याय में, कोई प्रवचन में, कोई ज्ञान में, कोई योग में बड़े होते हैं। ऐसा दान किसको करना चाहिए? ज्ञान निष्ठा देयानी कव्या न्यानंत्यमिच्छता, शब्द कव्य का दान जो है वो ज्ञाननिष्ठ पुरुष को करना चाहिए। जब ज्ञाननिष्ठ पुरुष न मिले तब चाहे जिसको दो। बोले ब्राह्मण कितना खेल खिलाना चाहिए महाराज? और पहले हम लोग मारवाड़ में रहते थे ना, ठीक हुआ राजस्थान, वहां लोगों के घर में शौचालय नहीं होते, क्या वो महाराज बालू की जो रात से सड़क गलियां बनी होती ना बालू की, उसी में रात को शौच करवाते। अभी भी आ जाएगा, अभी हम हनुमान घर में गए थे तो वहां एसीडीसी है, और फिर भंगी आके सबको बराबर बालू में मिला देता है। अब जिस दिन ब्राह्मण भोजन होता है उस दिन उसी गली में पंडित जी लोग बैठते हैं भोजन करने को, बोला ब्रह्मपुरी, उसका नाम होता है ब्रह्मपुरी, 3000 ब्राह्मण खा रहे हैं, 8000 ब्राह्मण खा रहे हैं, हमारा दिल तो भरा है गांव के सब लोग। तो मैं तो रतनगढ़ में 2-3 बरस रहा ना, 3000 है ना, वो इसके बिना चौका लगाए न खाए, बिना पांव धोए न खाए, और वही ब्रह्मपुरी लगती है। हम देख के आए अपनी आंख से, है ना, हम उसमें से गुजरते थे जब ब्रह्मपुरी होती थी, है ना। तो ब्राह्मण कितना खिलाना, देवता का काम हो तो 2 ब्राह्मण, और पितर का काम हो तो 3 ब्राह्मण, या 2-3 न मिले दलिया तो दोनों में एक ही खिलाना चाहिए।
जय दल्ये पितृकार देतीन एक मुहयत्रवा भोग समृद्धो की श्राद्धे कुर्या न विस्तरम। चाहे जितना धनी हो, हमारा बड़ा नाम होगा, सारे गांव को खिलाया है, सारे परगने को खिलाया है। हम लोगों के बचपन में हमारे गांव में यही रिवाज थे कि भाई इन्होंने तो पूरे परगने को 127 गांव में जितने ब्राह्मण हैं सबको आमंत्रित करके खिलाया है। अब महाराज आके ऐसे ही तो बैठते, बिना आसन के बैठते, बिना पांव धोए, बिना हाथ धोए, आहा दो मोटी मोटी पूरी डाली जाती, आहा तो भेद एक और काफी फल जो है ना हमारा वो इतना बड़ा बड़ा भंडारे को वही संभालता था। वो भंडार राज ही है, बड़ा भंडारा होता है तो काफी फल और वो मोटी मोटी पूरी। और तो महाराज कई लोग तो वो छोटे का पानी मिला देते थे आते में और घी न तो थे और पूरी में घी कम भर गया। हमको तो बड़ी विद्या मालूम है, अपने हमारे समाचार से फायदे नहीं पहुंचाते जो महाराज खोया बनाते हैं ना दूध का खोया है, उसको फटाते समय थोड़ा थोड़ा सोने का पानी उसके ऊपर छिड़क के जाए तो घी बिल्कुल अलग होकर नीचे चला जाएगा और खोया ऊपर रह जाएगा। सोया बाजार में बनारस में बिकता है और घी घर में जाता है। बनारसी आदमी तो सुसमृद्ध होती है तो अपने नाम जस के लिए लोग ऐसा करते हैं। सुसमृद्धों की श्राद्धे कुर्यान न विस्तरम, ये श्लोक हमको हमारे गुरु जी महाराज ने, और जब हमारे पितामह का श्राद्ध था, मैं कोई 17 वर्ष का था तो जिनसे मैं व्याकरण करता था उन्होंने एक श्लोक लिख के भेजा था, श्राद्धे कुर्यान न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना बेटा, क्योंकि सम्यक भवन तो मिलता है, श्राद्ध बिगड़ जाता है। तो कैसे बिगड़ता है, तब विस्तरा स्वजनार्पणा, विस्तार करने से श्राद्ध बिगड़ जाता है। और अपने रसोईया महाराज को श्राद्ध के दिन खिलाते और एक धोती दे दी और 2 रुपया पूजा दे दिया, बोले हाँ इनको देंगे तो रसोई भी अच्छी बनाएंगे। महाराज ऐसे पंडित को दिया जो कुछ बाजार में अपना काम भी कर दे। तो स्वजन अर्पणा, हम लोगों को रिवाज थी कि अपने जमाई बाबू को जिसमें दान करना हो और जहाँ लड़की ब्याही हो ब्राह्मणों में और उनको बुला लिया और दान कर दिया तो उसका फल नहीं होता है। विधि पूर्वक जो कुछ करना चाहिए विधि पूर्वक करना चाहिए, पवित्र अन्न से करना चाहिए। और अन्नम संविभजन पक्षे सर्वम पत्पुरुषात्मकम, जब अन्न का दान करे तो ये देखे कि ये परमेश्वर है, और गंदी वस्तु का प्रयोग कभी श्राद्धादि में नहीं करना चाहिए, मुन्यन्य का प्रयोग करना चाहिए। सबसे बढ़िया धर्म यह है कि किसी को तकलीफ न पहुंचाई जाए। बहुत लोग तो कहते हैं कि हम कर्म यज्ञ करेंगे नहीं, ज्ञान यज्ञ करेंगे। अब धर्म के बारे में भी एक टिप्पणी सुना देते हैं। बोला बोले ये लोग जो महाराज कथा वार्ता में या कहीं किसी को मंत्र देते होते हैं तो कान लगा के सुन लेते हैं कि क्या बताया है? और फिर जाके वैसे करने लगते हैं तो महाराज उनको आप ही तो सुनते हैं। तो ये जो चोरी का धर्म होता है वो ठीक काम नहीं देते। बोले एक धर्म होता है कि हम तो अपना धर्म करें और दूसरे के धर्म में बाधा करें। एक शहर में हम कहीं जाते हैं तो जिस दिन भागवत की कथा शुरू होती है वहाँ पड़ोस में एक थोड़ी दूर कर एक दूसरा है कोई था, वहाँ बस लाउड स्पीकर लगा के और कीर्तन बड़े जोर से शुरू कर देते हैं कि भागवत की कथा ठीक न होने का। तो हम तो अपना धर्म कर रहे हैं, परंतु अपना धर्म करने में दूसरे के धर्म में बाधा पड़ती हो तो वो धर्म धर्म नहीं रहेगा। दूसरे के लिए उपदेश किया और कहें हम भी करते हैं महाराज हमने भी सुना है तो क्यों नहीं। और धर्म में पाखंड आ जाए तो उपधर्म हो जाता है, और शब्द भेदी छल होता है। और अपने मन से मान लिया कि ये धर्म है ये धर्म है, अनुशासन को नहीं मानते हैं। असल में धर्म वस्तु गुण से नहीं होता। ये चीज बहुत बढ़िया है, ये काम बहुत बढ़िया है, यदि वो मनोमुखी हुआ
तो सफल हो जाने पर अहमभाव बढ़ेगा, विफल हो जाने पर गिलानी होगी और मनमुखी वृत्ति बढ़ेगी। धर्म होता है जो मन को निर्मल बनाता है, इसलिए हमारे धर्मात्माओं का ये दृढ़ निश्चय है कि जिसमें अनुशासन है वो धर्म है और जिसमें वासना है वो धर्म नहीं है, चाहे उसकी बाहरी रूपरेखा कितनी भी अच्छी हो। तो जब विच्छय आकृत कुंभ आभासो या अस्त्र उसका नाम धर्माभास है। पर ये मांग करके धर्म करना, मांग करके धर्म करना ये कुछ बहुत अच्छा काम नहीं है। बोले हम चंदा करके तीर्थ यात्रा करेंगे, चंदा करके यज्ञ करेंगे, तो उसका फल कहाँ जाएगा? तो धर्मार्थम अपि निहितो यात्रार्थम वा धनो धनम, यज्ञ करने या यात्रा तीर्थ यात्रा करने के लिए धन मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि असल में न मांगना सबसे बड़ा धर्म है और तुम उसी का उल्लंघन कर रहे हो। हमेशा संतुष्ट रहो, अपने आप में मस्त रहो, इधर उधर भटकने में कोई लाभ नहीं है। जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सब जगह सुख है, पांव में जूता है तो जहां जाओ कहीं भी तुम्हें कंकड़ और कांटा नहीं गड़ेंगे। तुम्हारे मन में संतोष है तो जहां जाओ वहीं धर्म है। महाराज पानी पी के भी अगर दिन बीत जाए और मन संतुष्ट रहे तो बड़ा भारी धर्म है। और जननेन्द्रिय और क्या नाम है रसन इंद्रिय की तृप्ति के लिए मनुष्य बिल्कुल कुत्ता हो जाता है। जिसके मन में संतोष नहीं है उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो तो जम जाता है। ज्ञान किस काम का है? देखिए ये भागवत में एक फायदा इससे ये होता है सुनाने से हो, कि जो लोग कभी नहीं सुनते हैं ना उनके मन में श्रद्धा होती है कि हमारे शास्त्रों में कुछ बातें अच्छी अच्छी भी लिखी हैं, तो आओ देखें इसमें क्या लिखे हैं। देखो मनुष्य को भूख प्यास लग जाए तो काम वासना मिट जाएगी और हिंसा हो जाए शरीर से तो क्रोध भी मिट जाएगा, लेकिन लोभ का अंत पैसा मिलने से नहीं होता। आपको चाहे दिशा विदिशा मिल जाए, राज्य मिल जाए बड़ा भारी, लेकिन उससे लोभ मिटेगा नहीं। बहुत सारे पंडित हैं परंतु असंतोष के कारण नष्ट हो जाते हैं। आओ आप कुछ नुस्खे बताते हैं, वही दिलों जैसे नुस्खा बताते हैं। आप संकल्प मत करो कि हमको वो मिले वो मिले वो मिले, तो आपके मन का काम मिट जाएगा, और काम नहीं होगा मन में तो क्रोध मिट जाएगा। और क्या फायदे की चीज है और क्या गैर फायदे की चीज है इस पर यदि गंभीरता से विचार करोगे तो लोभ मिट जाएगा। इकट्ठा किया हुआ प्राय दूसरों के काम जाता है और उनके काम जाता है वो जिनको हम नहीं चाहते हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं वही लोग। हमारे संखल में शंकरानंद जी महाराज थे ना, बड़े दृढ़ थे, लोगों ने तो देख ही था सब लोगों ने। वो किसी आदमी को बिल्कुल नापसंद करते थे, हम लोगों से तो खूब उसकी कटपुट करते थे। तो उनके जिंदा रहते ही एक आदमी 5,000 रुपया लाया, उनकी पुस्तक जब प्रकाशित होगी तो उसमें हमारा रुपया लगा देना। वे फलवाई के पास रख गया 5,000। तो जब उनका शरीर पूरा हो गया तो 5,000 उसी आदमी को मिला जिसको वो बिल्कुल नापसंद करते हैं, उसी के हाथ में। परमपुरी जी महाराज का रुपया महाराज एक शुद्धाश्रम है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने महाराज उसको बनाया और जिस दिन भंडारा हुआ रात को उसी दिन लड्डू पूरी खाने के बाद फायदा हो गया, मर गए। और वो आश्रम उनका उस आदमी को मिला जिसको वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो इकट्ठा की हुई चीज अपने मन से खर्च नहीं होती है भाई, है ना? तो करना क्या चाहिए? अर्थ और अनर्थ का इच्छा करो तो लोभ मिटेगा, और किसी से अगर तुमको डर लगता हो ना तो उसके भीतर कितना दम है इसका विचार करो तो तुम्हारा भय मिट जाएगा। वो सूट है, वो भूत नहीं है, वो तो एक पेड़ का सूट है जिसको तुम भूत या चोर समझ करके डर रहे हो, और वेदांत विद्या से शोक मोह की निवृत्ति होती है। और ये दम जो है ना,
अब कोई गुरु से भी दंभ करे तो उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो अपने से महान पुरुष के पास रहने पर दंभ की निवृत्ति हो जाती है। एक बात और है, योग में विघ्न आते हैं, सिद्धि आते हैं, तो उनके आने पर मौन हो जाए, अगर किसी को बतावे नहीं तब वो सिद्ध रहते हैं, और हिंसा की वृत्ति आए तो शरीर को हिलने न दें, और लोगों का जो दुख है उस पर करुणा करके काम करें, और यदि देवता से कोई बड़ी जोर से आंधी गांधी चलने लगे, आग बरसने लगे, तो मन एकाग्र करके बैठ जाए। इस तरह से महाराज आपके जीवन में चाहे कोई भी विघ्न हो, यदि गुरु जी के प्रति भक्ति रहेगी तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, क्योंकि जिसको तुम गुरुदेव के रूप में जानते हो वो मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है, और तुमको ज्ञान का दीपक देने के लिए मनुष्य के रूप में आया है। यदि उसको भी तुम मनुष्य समझते हो तो तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, और तुम्हारा नहाना हाथी के नहाने के समान है। ये तो साक्षात भगवान है, प्रधान पुरुष ईश्वर। ये महाराज मनुष्यों की आदत होती है कि अपनी बुद्धि और अपनी मान्यता के अंदर विष्णु ने ये पाप किया, ऐसे बोलते हैं विष्णु ने ये पाप किया, ऐसे बोलते हैं, तो हम पाप का नाम लेके बता दें, तो ब्रह्मा ने ये पाप किया, तो शिव ने ये पाप किया, माने हम अपनी जानकारी के भीतर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी कैदी बनाना चाहते हैं। कितनी बड़ी हिमाकत, कितना बड़ा साहस है ये नारायण। तो मनुष्य जो है वो जब गुरु को मनुष्य समझता है तो नहीं पहचानता कि बड़े बड़े योगेश्वर जिसके चरणारविंद को ढूंढते हैं वो तुम्हारे सामने मनुष्य के रूप में लीला कर रहा है। सब योग साधन है मन को वश में करने के लिए, जो अपने मन को वश में करने के लिए उद्यत है उसको चाहिए स्थान भी कम हो, आसन भी कम हो, शरीर भी कम हो, पवित्रता हो, और उस पर बैठ करके और सीधे बैठ करके टेढ़ा नहीं, लटके नहीं, हिले नहीं, बाएं बाएं न जाए, तस्मिन आसीत उज्ज्वंगः ओम ओम का उच्चारण करके अपनी जो सुषुम्ना है उसको बिल्कुल सीधा कर ले, प्राण अपान सीधा हो जाएंगे, मन में से सारी कामना निकल जाएंगे, और धीरे धीरे मन बस में हो जाएगा। थोड़े दिनों में महाराज मन शांत हो जाएगा, एक बार त्याग करके और फिर भोग करना उचित नहीं है। यदि मनुष्य त्याग के बाद भी भोग करने लगे तो उसकी स्थिति वैसी है जैसे कुत्ता पहले तो कैद कर देता है, उगल देता है, और बाद में अपने उगले हुए को खाता है। तो महाराज इस शरीर को मैं समझ करके कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने आप को जान ले तो संसार में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए वो कामना से व्याकुल हो, और ऐसा कोई भोक्ता नहीं है और निक्षण कष्ट काम आए, किन विषय जातम इच्छन कष्ट भोक्षित काम आयो, कौन ऐसा विषय है जिसके लिए उसके मन में वासना का उदय हो, और कौन ऐसा भोगता है जिसको वो तृप्त करना चाहता हो और देह का पोषण करे। सो महाराज इस तरह से शरीर में जो वस्तुएं हैं उनका ठीक ठीक विवेक करना चाहिए महाराज, और अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये इंद्रियां कहीं ले जाकर के गड्ढे में डाल देंगे। तो इस तरह से ये जो संसार का मन है इनका वो क्या नाम है लय चिंतन करना चाहिए विषयों को इंद्रियों में, क्योंकि इंद्रिय विषयों को प्रकाशित करते हैं। इंद्रियेषु क्रिया विज्ञान ज्ञान रूपे भीतेषु जोगते, जितने संसार में पदार्थ हैं वे सब के सब इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होते हैं, इसलिए इंद्रियों को देखो रहने दो, विषयों को छोड़ दो, विषयों को इंद्रियों में लीन कर दो, इंद्रियों को मन में, मन को वाणी में, वाणी को मन में, है ना, और नारायण रूप वाणी को वाणी में, शब्द में मन को, और वाणी को धर्म समान लाए में, और उसको ओंकार स्वर में, ओंकार को बिंदु में, बिंदु के को नाग में, नाग को प्राण में, प्राण को महात्म्य, इस तरह से महाराज सब का विलीन करके विश्व को तेजस में, तेजस को प्राण को, प्राण को पूरी आत्मा में अपने स्वरूप में बैठ जाओ।
एक बात है, यदि शास्त्र दृष्टि से भी इसको कोई समझ ले, शास्त्रण करते साधन है, मनमानी कल्पना से संसार की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन एक दूसरा संसार बना लेता है, इसलिए मन के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और नारायण शास्त्रीय दृष्टि से उसको जान लो, और इसके बाद क्या होगा, तो लोगों की भीड़ भाड़ में रहो, जनस्थो की मनुष्यति। जैसे हमारे सपने में बहुत सारे आदमी होते हैं, वैसे ही जागृत में भी हैं। तो जो इन संपूर्ण जनमानस जायन्ते इति जनाः, जिनका जन्म और मरण होता है, उनके आदि में जो है, अंत में जो है, बीच में वही है, बाहर वही है, भीतर वही है, कार्य वही है, कारण वही है, ज्ञान ज्ञेय वर्ष वाक्य काम ज्योति कौन है, अयम स्वयं, ये स्वयं जो आत्मा है यही सब है, जितने नाम लिए, सृष्टि के आदि में, अंत में, बाहर, भीतर के रूप में, काल कारण ज्ञान ज्ञेय वचन वाक्य अविद्या और विद्या, कौन है, अयम स्वयं, अयम माने आप ही थोक से बोलते हैं, हो अयम, ये जो आत्मा है वो स्वयं है। जैसे महाराज हम जानते हैं कि आभास वस्तु मिथ्या होती है लेकिन दिखती तो है, इसी प्रकार ये संसार जो दिख रहा है ये है मिथ्या परंतु दिखता है। वो तो आदमी झूठे है ना कुतर्क करता है, जैसे जैसे मिथ्या भाषण, भाषण है कि नहीं है, कान से भाषण सुनाई पड़ता है लेकिन उस भाषण का जो अर्थ मालूम पड़ता है वो मिथ्या है, और क्या बोलेंगे मिथ्या भाषण, ये थोड़ी होता है कि भाषण ही नहीं है, है ना, भाषण तो है परंतु उसका जो अर्थ मालूम पड़ता है वो मिथ्या है। तो मिथ्या संसार का ही अर्थ नहीं होता कि संसार मालूम ही नहीं करता, मालूम तो पड़ता है परंतु ये अपनी आत्मा से परमात्मा से अलग जो स्वतंत्र सत्ता के रूप में मालूम पड़ता है वैसा नहीं है, ये मिथ्या का अर्थ है, मिथ्या का अर्थ अनिर्वचनीय होता है, इसको तो संप्रदाय की पद्धति से समझना पड़ता है। अच्छा एक सज्जन मिले, वो एक नहीं दो सत्य हैं, कौन सा, कहे कि ईश्वर और एक संसार है ना, दो सत्य। अच्छा बाबू जी आप ये बताइए कि जितना सत्य ईश्वर है उतना ही सत्य संसार है तो इससे कुछ कम देती है, बिल्कुल ईश्वर के बराबर है तो इससे कुछ कम है, तो दो नंबर का हुआ ना, आहा कितना कम है भाई, ईश्वर से संसार की उम्र कितनी कम है, ईश्वर से संसार का वजन कितना कम है, और ईश्वर से संसार की लंबाई कितनी कम है, वाना निर्वचनीय, तो दो नंबर का सत्य हो गया ना, दो नंबर के सत्य को ही वेदांत में मिथ्या कहा जाता है, एक नंबर का सत्य आत्मा परमात्मा है और दो नंबर का सत्य ये आने जाने वाला संसार है, दो नंबर का सत्य है, इसी का नाम मिथ्या। और यदि तुम ईश्वर और संसार दोनों को बराबर सत्य मानते हो तो संसार छोड़कर ईश्वर का भजन क्यों करते हो, फिर तो संसारी का भजन करो। तो महाराज ये बात है, ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है और इसकी छाया ही नहीं है, न ये संघात है वृक्षों का, न विकार है, न परिणाम है, न पृथक है, न अन्य है, इसलिए मृषा है महाराज। और अवधि ये अलग अलग तो कभी मिलते ही नहीं है, ये जैसे स्वप्न में विधि निषेध होता है वैसे ये सृष्टि है। अब एक बात और इस प्रसंग में नारायण कही गई है वो आपको सुना देता हूं, कार्य और कारण की वस्तु की एकता का दर्शन जैसे सूत और कपड़ा, इसका नाम है भावाद्वैत, क्योंकि भेद मिथ्या है, और परब्रह्म परमात्मा में सब कर्मों का समर्पण, इसका नाम है क्रियाद्वैत। ये क्रियाद्वैतम में कर के तुम्हारी दूसरी बात है, यहाँ तो क्रियाद्वैतम सदुच्यते, भागवत में बोले कि सब वस्तुएं एक हैं और सब कर्म ब्रह्मार्पित होकर एक हैं, और ये सब शरीर स्त्री पुत्र आदि जितने हैं इनके भोग और अर्थ में बिल्कुल एकता द्रव्याद्वैत है, द्रव्याद्वैत क्रियाद्वैत भावाद्वैत, इसका जो अनुसंधान करता है वो स्वप्न से परे हो जाता है।
भगवान के चरणों की भक्ति से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। नारद जी ने बताया, इनको अपनी जीवनी जो है ना, व्यास जी को भी अपनी जीवनी बताई थी और युधिष्ठिर जी को भी बताई, पर वो जो व्यास को बताई थी वो दूसरी थी, और उससे भी पहले बोले कि मैं गंधर्व था, उससे भी पहले दासी पुत्र होने से पहले गंधर्व था। तो मेरा एक बार हरि गाथा गाने के लिए हमको बुलाया गया और मैं जो श्रृंगार रस में मग्न हो करके स्त्रियों के साथ काम विलास करता हुआ महात्माओं के बीच में चला गया। तो बोले जा तू शूद्र हो जा, तेरी शोभा नष्ट हो जाए। तो फिर बाद में मैं दासी पुत्र हुआ और ब्राह्मणों की और महात्माओं की सेवा करके फिर ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया। तो तुमने यही पूछा ना कि गृहस्थाश्र में रहते हुए अब भूत का जो परमानंद है इसका अनुभव कैसे हो, इस तरह से हो परीक्षित राजा युधिष्ठिर, तुम लोग बड़े धन्य हो कि तुम्हारे घर में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में श्री कृष्ण रहते हैं मनुष्य के रूप में। ये श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और तुम्हारे प्यारे सुहेद और मेरे भाई के रूप में रहते हैं। ये तुम्हारे परम प्रेमास्पद आत्मा है, यज्ञ में तुम्हारे पूजनीय हैं, तुम्हारे आज्ञाकारी राजदूत हैं, तुम्हारे गीता के उपदेशक गुरु हैं। अरे सब तो यही है। तो महाराज कोई भी इनका यथार्थ वर्णन शंकर ब्रह्मादि भी नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा के लिए तीन चीज थे जिनमें मौनेन भक्तोपशमेन पूजिता प्रसीदताम शौचात्मताम पति। दुनिया की ओर से मौन हो जाओ और भगवान के प्रेम में डूब जाओ और अपने मन और इंद्रियों को शांत कर लो, यही परमेश्वर की पूजा है। अब तो महाराज श्री कृष्ण और युधिष्ठिर से पूछ करके और नारद जी को चले गए और युधिष्ठिर तो आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार ये दक्षिणियों के वंश का वर्णन हुआ।